मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विदिशा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रायसेन जिले के बेगमगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारी मतों से जिताने की अपील करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस 70 साल तक भगवान राम के मंदिर मामले में रोज अड़ंगे लगाते रही, लेकिन मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई और इस बार एक बार फिर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिताना है और देश का प्रधानमंत्री बनाना है ताकि यह देश तेजी से विकास कर सके। 70 साल तक भगवान राम के मंदिर में रोज अड़ंगे लगाते रहे, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन पहला वोट दिया आपने नरेंद्र मोदी जी को देश में आतंकवाद समाप्त करने के लिए, देश में सुशासन करने के लिए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार सीमाओं पे जिस ढंग से आक्रमण होते थे, हमारे सैनिकों के सर काट ले जाते थे, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार वही जो 55-70 साल से कहते आए थे हम क्या करें, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बालाकोट की घटना भी हमारे सोए सैनिकों पे वार हुआ, और जैसे ही सोए सैनिकों पे वार हुआ नरेंद्र मोदी जी 56 इंच वाले सबके बीच आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री जो बोलता है वो करके दिखाता है। हमने सबने देखा डंके की चोट पाकिस्तान को घर में घुस के एक बार नहीं दो दो बार मार के दिखाया कि नहीं दिखाया। ये होता है 56 इंच के सीने वाला और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला नेता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।